स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष का ये पड़ाव उस समय आया है जब भारत अपने अमृत काल के प्रारंभिक वर्षों में है। स्वामी दयानंद जी भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले संत थे। भारत को लेकर स्वामी जी के मन में जो विश्वास था, अमृत काल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। स्वामी दयानंद आधुनिकता के पैरोकार थे, मार्गदर्शक थे, उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को भी, हम सभी को भी इस अमृत काल में भारत को आधुनिकता की तरफ ले जाना है, हमारे देश को, हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है। आज आर्य समाज के देश और दुनिया में 2500 से ज्यादा स्कूल हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। आप सभी 400 से ज्यादा गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षित प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आर्य समाज 21वीं सदी के इस दशक में एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण के अभियानों की जिम्मेदारी उठाए। डीएवी संस्थान महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक जीती जागती स्मृति है, प्रेरणा है, चैतन्य भूमि है। हम उनको निरंतर सशक्त करेंगे तो ये महर्षि दयानंद जी को हमारी पुण्य श्रद्धांजलि होगी। भारतीय चरित्र से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था आज की बड़ी जरूरत है। आर्य समाज के विद्यालय इसके बड़े केंद्र रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश अब इसे विस्तार दे रहा है। हम इन प्रयासों से समाज को जोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज चाहे लोकल के लिए वोकल का विषय हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, पर्यावरण के लिए देश के प्रयास हो, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेक अभियान हो, आज की आधुनिक जीवन शैली में प्रकृति के लिए न्याय सुनिश्चित करने वाला मिशन लाइफ हो।